जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट वैकेंसी 2022 के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो आपकी पहले नोटिफिकेशन आई थी उसके अकॉर्डिंग जो आपकी टोटल पोस्ट है वो कितनी रखी गई थी, 444। लेकिन अभी जो इनकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ये जो आपकी टोटल पोस्ट है इनमें 88 और पोस्टों को ऐड किया गया है। तो आपने इन चीज़ों को माइंड में रखना है। उसके अलावा दोस्तों, एक और बड़ा चेंज देखने को मिला है, आपकी जो लास्ट डेट है उसको भी एक्सटेंड किया गया है। पहले जो आपकी लास्ट डेट कब की थी, 14 अक्टूबर, अभी इसको एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर किया गया है। तो आपने इन चीज़ों को माइंड में रखना है। दोस्तों, अभी हम टॉपिक की तरफ आते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपकी पोस्ट है पीएन की, चौकीदार की और सफाई कर्मचारी की, ये जो आपकी टोटल पोस्ट है पहले कितनी थी, 94, अभी इनको बढ़ा के कितना किया गया है, 115। तो ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं जो कि इस पोस्ट को भरने में इंटरेस्टेड है, ठीक है दोस्तों, उनकी तरफ से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जो हमारी सिलेक्शन है वो किस बेस पे की जाएगी और जो हमें सैलरी है वो कितनी मिलेगी। तो सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में 1 बाय 1 कवर करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपकी टोटल पोस्ट थी पहले 94, अभी इनको कितना किया गया है, 115। आप यहाँ से डिटेल देख सकते हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें सैलरी की तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पर आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है और उसके अलावा आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपके पास प्लस टू का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। जो आपकी प्लस टू है वो मिनिमम 50% नंबर्स के साथ किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सीन है वो आपकी इवेलुएशन का है, ठीक है। यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है कि जो आपकी फाइनल मेरिट है वो किस बेस पे बनेगी, जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और जो आपकी इवेलुएशन की जाएगी। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो आपकी इवेलुएशन है उसके लिए अलग अलग जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो बताए गए हैं, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपने तैयार करना है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है बैकवर्ड एरिया का, लैंडलेस फैमिली का, नॉन एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट, उसके अलावा दोस्तों अगर आप में कोई डिसेबिलिटी है तो उसका सर्टिफिकेट, NSS या NCC का, भारत स्काउट एंड गाइड का, उसके अलावा दोस्तों अगर आप मेडल विनर हो नेशनल लेवल पे तब भी आपका सर्टिफिकेट चलेगा और उसके भी आपको नंबर मिलेंगे। उसके अलावा दोस्तों BPL फैमिली का भी यहाँ पे सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आप विधवा वगैरह हो तो भी आपका सर्टिफिकेट चाहिए, डाइवोर्स का भी सर्टिफिकेट चाहिए और इस तरह से सिंगल टोटल ऑर्फन्स वगैरह ये जो सारी चीज़ें हैं उनका सर्टिफिकेट आपको चाहिए। उसके अलावा दोस्तों जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर बताया गया है। जो आपकी फाइनल मेरिट है वो इसी बेस पे बनेगी, आपका यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। मान लो एक ऐसा कैंडिडेट्स है जिनके यहाँ पे मैक्सिमम जो सर्टिफिकेट बताए गए हैं उसके बन गए, तो नेचुरल सी बात है उसको जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा लगेंगे और उसका जो नंबर है वो यहाँ पे मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो से जो आपके डाउट्स वगैरह हैं वो क्लियर हो गए होंगे। आगे इससे रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आती है उसके लिए आपने हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।